चलिए, तो प्रीवियस सेशन में आप लोगों के साथ कुछ हम लोगों ने जाते जाते होमवर्क के क्वेश्चंस थे जो कुछ शेयर किए हुए थे। आप लोगों को मैंने टास्क दिया था, क्या टास्क था कि आप लोगों को टॉप 10 बैंकों के एफडी के हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने हैं कि कौन सा बैंक है जो आप लोगों को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, राइट। तो आप लोगों ने किस तरीके से देखा होगा, तो लेट्स गूगल की तरफ हम मूव ऑन करते हैं एंड गूगल पर हम कमांड दे देते हैं। ठीक, गूगल को हम कमांड क्या दे देते हैं, गूगल को कमांड देते हैं कि भैया हमें आप इंडिया के टॉप 10 बैंक्स हाई रेट ऑफ एफडी वाले निकाल कर दो। तो मैं गूगल पे सब सर्च करता हूँ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एफडी फ्रॉम इंडियन या फिर इंडियन बैंक्स, इंडिया बैंक्स। तो इंडिया की जितनी भी बैंक्स है, ठीक है, तो उसमें कौन सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। जैसे श्रीराम फाइनेंस यहाँ फिलहाल में कंपनी का नाम शो हुआ है, ठीक है, लेकिन वो बैंक नहीं है, वो एनबीएफसी है। तो हम बैंक्स की बात अगर करें तो आप लोगों के सामने मैं एक लिस्ट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, आप लोगों ने जो निकाला है आप क्या भी कर सकते हो, यहाँ से एक समझ सकते हो कि कौन सी बैंक ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है। तो मैंने टॉप 20 शेड्यूल्स बैंक की यहाँ पर लिस्ट निकाला। शेड्यूल्स बैंक आरबीआई के अंदर जो रजिस्टर्ड होते हैं, राइट। तो इसके अंदर एक दिख रहा है मुझे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हाइयर जो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% है, लेकिन वो भी कब, जब आप मोर देन अ ईयर के लिए करते हो तब, राइट। क्योंकि 1 ईयर के लिए अगर आप करने जाते हो, 1 ईयर के लिए अगर आप करने जाते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है आपको वहाँ पे, 7.85%। 3 ईयर के लिए 8.1%, राइट। तो इस तरीके से, और सीनियर सिटीजन को एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस, ये सब पता है एनबीएफसी थे सर। ये एनबीएफसी क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कॉरपोरेशन, जो बाद में एज अ बैंक अपने आप को लिस्ट कर लेती है। उसके अलावा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस है आपका, उसके अलावा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस है, उसके अलावा आपका इक्विटास स्मॉल फाइनेंस है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो नेशनलाइज बैंक का नाम दूर दूर तक के नहीं देखने को मिलेगा, सारे के सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर कर रहे हैं। उसमें आपको एक बैंक में देखने को मिलेगा तो डीसीबी बैंक एक आपको देखने को मिल रहा है, 8% के अराउंड अराउंड मैक्सिमम इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके अलावा अगर दूसरा, अगर मैं नेशनलाइज बैंक के बारे में अगर बात करूँ, तो आपको इधर पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, अगर आप देखो तो ये सारे बैंकों का स्टैंडर्ड कितना, मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है 7.25%। बाकी आप एसबीआई की बात करो, एक्सिस की करो, एचडीएफसी की करो, तो इनका भी 7.25 के अंदर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, नॉर्मली 7% के अराउंड आता है। तो ये एक होप आप लोगों को एक इससे ये क्लैरिटी आ रही है कि बैंकों में एफडी बनाना उतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, सिर्फ आपकी महंगाई इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, नथिंग एल्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर पूरी डिटेल्स है, करेक्ट। तो मैंने गूगल से सर्च करके paisabazaar.com से क्या किया है इसको, ये आपके सामने लिस्ट आउट किया है। इसी तरीके से हम गूगल को एक और कमांड देते हैं। होप आपने ये डेटा कैसे सर्च करना ये समझा, गूगल के थ्रू हमने ये डेटा निकाला है। देखो, गूगल का डेटा 100% हमेशा ऑथेंटिक रहेगा जरूरी नहीं है, गूगल के डेटा में भी मैनिपुलेशन हो सकता है, बट स्टिल हम भरोसा कर सकते हैं थोड़ा बहुत गूगल के डेटा के ऊपर, राइट। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, टॉप 5 बॉन्ड विथ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इंडिया, राइट। तो कौन से टॉप 5 क्या है बॉन्ड्स है जिनको, जहां से हमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, राइट। तो ये भी हम देख लेते हैं, fixedincome.com से मैं ये चेक करवा रहा हूँ भी आप लोगों को, राइट। और मैक्स टू मैक्स अगर मैं बॉन्ड की भी बात करूँ, 14-15% मैक्सिमम हो जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता, राइट। वो भी अगर रिस्की बॉन्ड है तो उसके ऊपर, बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट मिलना पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पर अभी हम लोग बॉन्ड की जैसे अगर बात करें तो नावी का, यहाँ पर नावी फिनसर्व लिमिटेड का एक बॉन्ड दिख रहा है, लगभग 11.19% के अराउंड आप लोगों का यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा होगा रिटर्न। चलिए मैं इसको हाइयर टू लोअर साइड लगा देता हूँ। गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो छोड़ दो, गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल से 10 के ऊपर भी नहीं देती होंगी। ये सब अलग अलग प्रकार के बॉन्ड है, कॉरपोरेट बॉन्ड मतलब प्राइवेट कंपनीज के, पब्लिक कंपनीज के। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आपको कभी भी 7-8% बहुत हो गया, गवर्नमेंट ज़्यादा ब्याज नहीं देती है बॉन्ड्स के ऊपर, राइट। और जो कई लोगों को गोल्ड में इन्वेस्ट करना पड़ता है,
कई लोग होते हैं ना जो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, तो ये आपको यहाँ पर गोल्ड में टॉप रेटेड बॉन्ड कौन से आपको वो देखने को मिल जाएंगे। तो आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर जाओ, ये जो SGB है इसका फुल फॉर्म होता है सेवेरियन गोल्ड बॉन्ड, राइट। तो ये गोल्ड में इन्वेस्ट अगर आपको करना है तो आप बॉन्ड के थ्रू भी कर सकते हो, आप फिजिकली नहीं लेते। फिलहाल तो अभी करंटली कोई भी गोल्ड बॉन्ड इशूड नहीं है मार्केट में, और बॉन्ड जो पब्लिकली इशू किए जाते हैं उसमें अगर हम बात करें, पब्लिक बॉन्ड यहां पर हो रहा है लोड, ओके। सो पब्लिक बॉन्ड में भी अभी एक निदो होम फाइनेंस लिमिटेड का बॉन्ड है जो फिलहाल में मार्केट में आया हुआ है। अभी ये तो नया बॉन्ड है, मतलब अभी 13 जून को ओपन हुआ है। इसके अगर अपन देखें कि क्या यहाँ से इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है तो हम देख सकते हैं, इनका इंटरेस्ट रेट है, गवर्नमेंट गारंटी तो नहीं है, TDS यस टैक्स फ्री पब्लिक बॉन्ड, 9.5% कूपन रेट है इसका। कूपन रेट मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, 9.5% का इसका कूपन रेट है, राइट। चलिए तो बॉन्ड कहाँ से खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, उसके ऊपर भी आगे चल के चर्चा करेंगे। तो एक फिक्स्ड income.com, यहाँ से हम लोगों ने बॉन्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले लेना है कि नए अभी मार्केट में कौन से बॉन्ड आ रहे हैं, हम बॉन्ड में कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप ये साइट अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हैं, thefixedincome.com। अगर कभी भी आपको बॉन्ड से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन देखना है तो आप कहाँ से देख सकते हो, आप देख सकते हो अपने thefixedincome.com इस पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू। चलिए मैं वापस आ जाता हूँ, और मैंने आप लोगों को एक लास्ट एक और टास्क दिया था, स्टॉक्स निकालना था आपको, राइट, हाई रिटर्न स्टॉक्स इन वन ईयर। तो एक साल के अंदर सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला स्टॉक कौन सा है, तो मैं स्क्रीनर इसके थ्रू आ रहा हूँ, राइट, जहाँ पर वन ईयर का मैक्सिमम रिटर्न किसने दिया है वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ कंपनीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि उजास एनर्जी, वन ईयर में इन्होंने अपना जो रिटर्न दिया हुआ है वो 3,127% का इन्होंने रिटर्न दिया है। एक साल पहले अगर इसके आप डिटेल पर अगर जाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके आप इसके और डिटेल में जा सकते हो, जो कि मैं आपको आगे चल के तो सिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये स्क्रीनर पूरा सॉफ्ट जो है फंडामेंटली एनालिसिस के लिए हम सिखाने वाले हैं आपको आगे। तो ये अगर पिछले एक साल की अगर मैं बात करूँ तो एक साल में ये स्टॉक कहाँ से कहाँ जंप किया है भाई। एक साल पहले ये 7 रुपये का था, अगर एक साल पहले आप इसमें 7 रुपये इन्वेस्ट कर देते और एक एग्जांपल के लिए आपने 100 शेयर भी खरीदे रहते तो 773 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता आपका वन ईयर बिफोर 28 जून 2023 को। ये मेरा कर्सर अगर आपको दिख रहा होगा तो 28 जून 2023 पिछले साल अगर आपने इसमें 773 रुपये इन्वेस्ट कर देते एंड अगर आप वेट करते तो देखो काफ़ी समय तक ये रेट कॉन्स्टेंट था, फ्लैट था। हम लोगों को जनरली लगता है यार आज शेयर खरीदे कल हमें डबल पैसा मिल जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक बार जब शेयर भागने शुरू होते हैं ना फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। काफ़ी समय तक ये शेयर का भाव सेम ही था, लगभग उसी रेंज में था, फिर धीरे धीरे यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ था। और ये जो आप लोगों का नवंबर के 2023 के बाद से जो शेयर भागा है ये दिख रहा है सीधा 7 रुपये से इधर, ये भागते भागते नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च और मई में आकर 250 रुपये पर खड़ा हो गया है। मतलब आपका 773 रुपये आज 25,000 रुपये बन जाता है एक साल के अंदर, राइट। तो ये एक हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रिटर्न वाले कुछ स्टॉक्स है जो आप स्क्रीनर की मदद से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने फिलहाल में यहाँ से कैसे निकाला है, स्क्रीनर इस पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू, screener.in के थ्रू निकाला है। उसके अलावा केसर इंडिया हो गया आपका, इंसुलेशन आप लोगों के पास एंटरप्राइजेस के बारे में हो गया, उसके अलावा वासु के बारे में है, ठीक है, टीना ट्रेड हो गया, उसके अलावा टेक्निकल विजन्स हो गया आप लोगों के पास। तो ये सब कंपनीज है जिन्होंने मोर देन 1000% का रिटर्न दिया है भाई, एक साल में 1000% के ऊपर का रिटर्न इन कंपनियों ने दे रखा है, करेक्ट। ऐसे और भी कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी जहां 500, 900, 700, 800, 600, 400 ऐसे आपको रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। आगे देखने के लिए आप यहां पर और नेक्स्ट पेज पर जा सकते हो, आपके पास मल्टीपल कंपनीज का यहां पर रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है, राइट। अगर आप कम से कम भी देखोगे ना कंपनी, तो एक अच्छी कंपनी के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आराम से 40-50% तो आपका रिटर्न कहीं ना कहीं बनता है। तो ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेशन के अंदर क्या किया था, एक टास्क दे के रखा था। चलिए तो अब हम लोग जो नेक्स्ट सेशन करने वाले आप लोगों का, नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे रेगुलेटर्स के ऊपर।
होप आप लोगों ने कैसे ये कंपैरेटिवली इन्वेस्टमेंट के सोर्सेस को फाइंड करना यूजिंग अ गूगल, मैंने वो आप लोगों को इस सेशन में बताने की कोशिश किया है।